नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो SBI PO की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसका फॉर्म 22 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक भरा जाएगा, और बाकी मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी दूंगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए। ये SBI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस और फॉर्म भरने की फ़ीस की डेट जो है 22 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक है, और जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होंगे वो 17 से लेके 20 दिसंबर के बीच करवाए जाएंगे, और बल्कि मेंस एग्ज़ाम जनवरी फरवरी 2023 में होंगे, जिसका रिज़ल्ट फरवरी 2023 में निकल आएगा, और बाकी साइकोमेट्रिक टेस्ट भी फरवरी और मार्च में रहेगा, और इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज भी उसी के साथ होगी। तो ये सब है, और बाकी इसका पूरा रिज़ल्ट मार्च के शुरुआती फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाएगा। प्रोसेस वेरी फास्ट रहता है बैंक एग्ज़ाम्स का एज़ कम्पेयर टू SSC एंड ऑल अदर एग्ज़ाम। उनमें तो एक डेढ़ साल आपका पहला प्रीलिम्स या मेंस में निकल जाता है, बाकी तो बात ही छोड़िए। आइए बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो रेगुलर वैकेंसीज 1600 है, और बाकी बैकलॉग वैकेंसी 73 है, यानी टोटल 1673 वैकेंसीज इस बार निकली है, और ये एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर काफ़ी कम है, और लेकिन टाइम पे निकल गई है, इसकी तैयारी कर सकते हैं। और सिलेबस में भी नहीं, सिलेबस में तो नहीं, लेकिन पैटर्न में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है इसमें मेंस के नज़रिए से देखें तो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशन है वो 31 दिसंबर 2022 तक आपका, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या तो आप परस्यू कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन एंड यू आर इन फाइनल ईयर, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन दिस, बट यू हैव टू, देयर इज़ वन कंडीशन डैट इफ़ कॉल फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ और हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2022। यानी कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि 31 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बात होगी एज रिलैक्सेशन 21 जो साल है, 21 से लेकर 30 साल तक इसमें मान्य है। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल, ये सब जैसे मिलता है वैसे ही सेम है। और बाकी बात करें प्रीलिम्स के पैटर्न की, और तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, इन सबको करने के लिए 20-20 मार्क्स मिलेंगे, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसमें। और इसकी कट ऑफ रेंज जो है 63 प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही थी इसकी, और उसके बाद 58 समथिंग कुछ रही थी, तो कट ऑफ कम रहती है बिकॉज पेपर थोड़ा हार्ड आता है, और 100 क्वेश्चन हैं, और 1 आवर का टाइम यानी 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं। और सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन, इसमें आपको मेरिट वाइज लिसनिंग के लिए की, और ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, यानी कि आपको उसमें मेरिट पास करना है, और जो फाइनल मेरिट होती है उसमें इसके मार्क्स तो नहीं जुटते। तो मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम में आपका जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस भी जुड़ जाता है, और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे और 50 मिनट के, और बाकी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन 30 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, 50 मिनट में करने होंगे। और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इसकी वेटेज इस बार बढ़ा दी गई है, 50 क्वेश्चन में आपको 60 मार्क्स के मिलेंगे, 45 मिनट मिलेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट की ड्यूरेशन उसमें मिलेगी। टोटल 155 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ यानी 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, यानी कि 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और उसी उसके बाद यानी मेंस ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 50 मार्क्स का, जिसमें 1 लेटर ऐसे आपको टाइप करना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे, यानी पूरा 250 मार्क्स का यह पेपर आपकी मेन जो मेरिट होगी उसमें जाके जुड़ेगा। और इसमें पेनल्टी मार्क्स की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, एंड इट अप्लाई इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, एंड थर्ड फेज साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, बिफोर कोविड यह टेस्ट लिया जाता था, लेकिन कोविड के समय यह टेस्ट को रोक दिया गया था, जिसमें कोई ज़्यादा
घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, जस्ट एन टाइप ऑफ इंटरव्यू, आपको ऑब्जर्व करते हैं कि वेदर यू आर फिट फॉर दिस पोस्ट और नॉट। सो दिस इज़ उसी टाइप का ये यू नो टेस्ट है, और बाकी जो मैक्सिमम ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स की होगी और इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा, टोटल करके 50 मार्क्स का ये होगा। तो इन्हीं के दोनों मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू को मिलाकर आपको आपकी कट ऑफ तैयार होगी, और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 250 और ग्रुप एक्सरसाइज 50 यानी 300 का टोटल होगा, जिसको नॉर्मलाइज करके 75-25 करके 100 मार्क्स का कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी आपके इसमें, और बाकी अगर आपको कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या आपको समझना है, तो मैं उसका रिप्लाई करने में ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।